बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग 11 तय। कप्तान रोहित कर सकते हैं इन प्लेयर्स का त्याग। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर से चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम टर्निंग पिच तैयार करवा सकती है, ऐसे में बांग्लादेश के बल्लेबाज टीम इंडिया के स्पिनरों के सामने जूझते नजर आ सकते हैं। भारत और बांग्लादेश की टीमों के बीच स्पिन गेंदबाजी ही सबसे बड़ा फैक्टर रहेगी, जिससे सीरीज की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई में होने वाले पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया 3 स्पिनरों के साथ उतर सकती है। आइए एक नज़र डालते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में होने वाले पहले टेस्ट मैच में भारत किस प्लेइंग 11 के साथ उतरता है। बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई में होने वाले पहले टेस्ट मैच में कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत कर सकते हैं। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया को एक आक्रामक शुरुआत दे सकते हैं। नंबर 3 पर शुभमन गिल को उतारा जाएगा, नंबर 4 पर विराट कोहली उतरेंगे और नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को मौका मिल सकता है। विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को ऐसे में प्लेइंग 11 से बाहर बैठना होगा। ध्रुव जुरेल का त्याग करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा मजबूर होंगे। नंबर 6 पर केएल राहुल को बल्लेबाजी की जिम्मेदारी दी जाएगी। नंबर 7 पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। स्पिन में कुलदीप यादव और रविचंद्र अश्विन को प्लेइंग 11 में मौका दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर तेज गेंदबाजी की बात की जाए तो मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को बतौर तेज गेंदबाज टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है।